तो टेलीविजन पर इतना आ रहा था, अखबारों में इतना आ रहा था, तो हमें साहित्य प्रेमियों ने, कलाकारों ने कहा कि अटल जी पर भी साहित्य के योगदान पर एक कार्यक्रम करना चाहिए। मैंने अशोक जी से कहा, अशोक जी, गिरमणि जी, सुभाष जी, सबकी स्वीकृति हुई। बाद में हमने माया जी से निवेदन किया और गजेंद्र जी से कहा, सब अभिलाष जी से सभी की स्वीकृति मिली, तो आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए। अभी अखबारों में आ रहा है, फिल्म वालों ने भी काफी प्रतिक्रियाएं दी हैं अटल जी के साहित्यिक योगदान पर। सुभाष घई जी ने दिया, धर्मेंद्र जी ने दिया है, शाहरुख खान ने, और दीपक लोहिया अभी राजस्थान में शूटिंग कर रहे हैं, इससे बहुत बड़े कलाकार हैं। उन्होंने भी मुझे कहा, अशोक जी, कि जब एनएचडी में थे उनका कोर्ट मार्शल प्ले था, अटल जी देखने आए और अटल जी ने कलाकारों का बड़ा हौसला अफजाई किया नाटक देखने के बाद। तो उन्होंने कहा, मैं अगर आज मुंबई में होता जरूर आता, अशोक जी आज ही आए बॉम्बे या तो आए। तो अब ये इतना चल रहा था, तो सभी इस समय कोई भी किताब मुंबई, दिल्ली, इंदौर, कहीं भी अटल जी की एक किताब नहीं होती। टच वाइज हम चार पांच दिन से देख रहे हैं, कहीं कोई भी किताब नहीं, सब सोल्ड आउट। उसके बाद हमने कहा कि चलो ऑनलाइन शॉपिंग है, जो वो भी हमसे जानकारी चाह रहे थे, ऑनलाइन शॉपिंग में गए, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपनेट, वहां भी कहीं पांच सात दिन बाद डिलीवरी होगी, ऐसा बताया जा रहा है। फिर हमको वो तो और याद आया कि अटल जी जब पुस्तक प्रदर्शनी व पुस्तक मेले वहां पर लगते थे, जब पाठक आते थे, क्योंकि मैं भी पुस्तक मेले अटेंड करता हूँ, किताबें भी खरीदता हूँ, हजार किताब मेरे ढंग में भी है, तो पाठक किताबें खरीदता है लेकिन उसके मन में उत्साह और आकर्षण ये भी रहता है कि अटल जी को सुनना भी, ये बराबर रहा है। और अभी विश्व 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन चल रहा है, उसमें भी मॉरिशस में अटल जी के साहित्यिक योगदान पर बहुत बातें हो रही हैं। अटल जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जो संयुक्त राष्ट्र संघ में उन्होंने हिंदी में अपना उद्बोधन दिया था, तो सारे आज की नई पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले रही है, प्रभावित हो रही है, प्रेरित हो रही है, और आगे साहित्य में अपना जीवन में जो संघर्ष होता है अच्छा लिखना, वो प्रेरणा दे रही है। तो अब मैं सुभाष काबरे जी को देता हूँ। नहीं, अभी एक समय की भी सीमा है और सारे अटल प्रेमी जितने यहाँ पर उपस्थित हैं उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ मंच की ओर से, और पर्दे के पीछे जो लोग हैं, केशव राय जी, सतीश अग्रवाल जी, भाई अशोक शेखर जी, ये वो लोग हैं सर जो हमें अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का ध्यान दिलाते रहते हैं बार बार, और सोने पे सुहागा ये हो जाता है कि और ज़्यादा प्रेरित करने के लिए अभिलाष भाई, राम गोविंद जी, गजेंद्र जी, माया जी, अशोक पाठक जी जैसे लोग हैं। मैं समझता हूँ कि आज की इस वेला में हम संख्या पर नहीं जाए, कुछ लोग भी यदि मन से कलम को नमस्कार कर लेते हैं तो सरस्वती का आशीर्वाद पूरे देश को हो जाता है। ये मानकर मैं चाहता हूँ कि आज की इस शाम हमारे सभी अतिथिगण अलग अलग संदर्भों में अटल जी से जुड़े रहें, कोई उनका पाठक है, किसी ने उनके साथ पढ़ा है, किसी ने उनका राजनीतिक रूप भी देखा है, लेकिन आज हम केवल उनके कवि और वक्ता रूप तक सीमित रहेंगे सब लोग, क्योंकि राजनीति तो आती रहती है, जाती रहती है, कुर्सियाँ बदलती रहती है, याद वही व्यक्ति रह जाता है जो पीढ़ी और पीढ़ी को संदेश देकर जाए। तो आज की महफिल में हम चाहेंगे कि अटल जी के उस पक्ष तक ही बात सीमित रहे, और क्योंकि ये अटल संध्या है, अटल कभी मरते नहीं, वो अटल रहते हैं और हमेशा प्रेरणा स्वरूप बने रहेंगे। ये मानकर मैं अटल जी की कुछ पंक्तियों से शुरुआत। देखिए, बरसों पहले अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए लिखी गई एक कविता, और आप खुद सुनकर तय करें कि आज की कितनी सार्थक। रचना का शीर्षक रखा था अटल जी ने, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती हैं आए, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं,
पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बसे अभी ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा कदम मिलाकर। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्य बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा कदम मिलाकर। और अंतिम पद में अटल जी लिखते हैं, उजियारे में, अंधकार में, कल कछार में, बीज धार में, घोर घड़ा में, कूद प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा कदम मिलाकर। देखिए आज के दौर में भी कितनी सार्थक है पंक्तियां, और अटलमय वातावरण तो आप सब बना ही चुके हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि भाई देवमणि पांडे, उन्हें भी एक रचना बहुत पसंद है अटल जी, उसके बाद हम इस गोष्ठी को आगे बढ़ाए। नहीं, देवमणि पांडे, तालियां आप लोग बजा सकते हैं, क्योंकि हम जी माया जी ने तो बहुत से कवि सम्मेलन अटेंड किए, और अटल जी कुछ नहीं कहते थे, वो जब देखते थे कि कोई रचनाकार अच्छी बात कह रहा है और लोग खामोश हैं, तो संचालक से पूछते थे क्यों भाई मगर यहाँ लोगों के हाथों में लपो मार गया है। तो आप लोग कृपया अच्छी बातों पर तालियां देते रहे, आशीर्वाद देते रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अटल जी कहते थे कि आदमी कद से नहीं बड़ा होता, मन से बड़ा होता है। तो अपनी जो रचनाएं सामने रखी वो हम सबके मन को बहुत बड़ा करने के लिए काफी हैं, और जो नई पीढ़ी के लोग बैठे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी कविता है ये, पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम और भाईचारे का संदेश देने वाली, कि हम जंग न होने देंगे। अटल जी की ये कविता, हम जंग न होने देंगे, विश्व शांति के हम साधक हैं, जंग न होने देंगे। कभी न खेतों में फिर खूनी खाद फलेगी, खलिहानों में नहीं मौत की फसल खिलेगी, आसमान फिर कभी न अंगारे उगलेगा, एटम से नागासाकी फिर नहीं जलेगी। युद्ध विहीन विश्व का सपना भंग न होने देंगे, जंग न होने देंगे। क्या क्या हथियारों के ढेरों पर है जिनका डेरा, मुंह में शांति बगल में बम धोखे का फेरा। हथियारों के ढेरों पर है जिनका डेरा, मुंह में शांति बगल में बम धोखे का फेरा। कफन बेचने वालों से कह दो चिल्ला कर, दुनिया जान गई है उनका असली चेहरा। और अच्छा, कफन बेचने वालों से कह दो चिल्ला कर, दुनिया जान गई है उनका असली चेहरा। कामयाब हो उनकी चाले, ढंग न होने देंगे, जंग न होने देंगे। हमें शांति चाहिए, हमें चाहिए शांति, जिंदगी हमको प्यारी। हमें चाहिए शांति, जिंदगी हमको प्यारी। हमें चाहिए शांत सृजन की है तैयारी। हमने छेड़ी जंग भूख से, बीमारी से, आगे आकर हाथ बटाए दुनिया सारी। हमने छेड़ी जंग भूख से, बीमारी से, आगे आकर हाथ बटाए दुनिया सारी। हरी भरी धरती को खूनी रंग न लेने देंगे, जंग न होने देंगे। और इस कविता की आखिरी पंक्तियां हैं बहुत गौर करने लायक, कि भारत पाकिस्तान पड़ोसी साथ साथ रहना है, प्यार करें या वार करें दोनों को ही सहना है। भारत पाकिस्तान पड़ोसी साथ साथ रहना है, प्यार करें या वार करें दोनों को ही सहना है। तीन बार लड़ चुके लड़ाई, कितना महंगा सौदा, रूसी बम हो या अमेरिकी खून एक है बहना। तीन बार लड़ चुके लड़ाई, कितना महंगा सौदा, रूसी बम हो या अमेरिकी खून एक ही बहना। जो हम पर गुजरी बच्चों के संग न होने देंगे, जो हम पर गुजरी बच्चों के संग न होने देंगे, जंग न होने देंगे। विश्व शांति के हम साधक हैं, जंग न होने देंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देवमणि पांडे। मुझे ये सौभाग्य मिला और सौभाग्य का एक मौका मिल गया था। अकोला में बहुत वर्षों पहले सम्मेलन आयोजित हुआ,
और मधुर पांडे जी हमारे वरिष्ठ संचालक कई लोग जानते होंगे। अरे माइक ठीक करो भैया, मुझे लगता है माइक की शायद जरूरत ही नहीं। माइक से थोड़ा नीचे करो। हेलो, ठीक हो गया? तो किसी कारण से मधुर जी नहीं आ पाए और मुझे सौभाग्य मिला कि इतने वरिष्ठ कवियों का मैंने संचालन किया। चलते चलते कार्यक्रम हो गया और सब लोग चाय पानी के लिए बैठे तो मैंने अटल जी को प्रणाम करके केवल मैं कहा, गुरु जी सब ठीक रहा? तो उनका एक बात ठीक नहीं रही कि तुमने सारे के सारे व्रत जोड़ लिए कवि सम्मेलन। युवाओं को साथ लेकर चलना चाहिए। समय सब बड़े बड़े दिग्गज थे, जब अटल जी आ रहे हैं तो नेचुरली सारी टीम ए प्लस थी। तो मैं सभी अतिथियों से ये चाहूंगा कि हम ये गलती आज ना करें, कुछ नए लोगों को सुन लें, उसके बाद आपके अनमोल विचार भी हम करें। इसी बीच हमारे भाई आजकल अटल जी आ चुके हैं और हम चाहेंगे कि वो मंच पे स्थान ग्रहण करें। उनके नाम में भी अटल है, आजकल अटल जी। अटल जी का भी स्वागत है और मैं चाहूंगा कि कुछ चार पांच नाम हमारे बीच है, नए नए लोग हैं और मैं वो समय याद करता हूँ जब अटल जी और मुझ जैसे लोगों ने माया जी जैसी वरिष्ठ कवित्री के आशीर्वाद से शुरू किया। तो केवल चार पंक्तियों के साथ इस क्रम में कुछ लोगों को बुलाऊंगा, ये निवेदन करते हुए कि बहुत अधिक पढ़ने का लालच न करें, श्रेष्ठ पढ़ने का लालच करें। क्योंकि हमारे आलोक भट्टाचार्य ने लिखा था, बात चांदी है बात सोना है, बात हीरा है बात मोती है, बात हर बात को नहीं कहते, बात मुश्किल से बात होती। मैं चाहूंगा कि श्रुति भट्टाचार्य यहाँ पर आए और आज के इस आयोजन के लिए जो उन्होंने सोचा है एक रचना हम उसका सुने।